हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड रिव्यू। आई एम साक्षी कौशिक। तो लास्ट वीडियो में हम लोग थ्योरीज ऑफ एट्रीब्यूशन के साथ स्टार्ट कर चुके थे, एंड फॉर दोज ऑफ यू हु आर न्यू टू माय चैनल, तो आप लोग मेक श्योर कीजिएगा कि आपने सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दिया है, बेल आइकन क्लिक कर दी है, एंड अगर आप थ्योरीज ऑफ एट्रीब्यूशन वीडियो को पढ़ना चाह रहे हैं तो फिर हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक पे पहले भी दो वीडियोस में पढ़ाई कर चुके हैं जो माइंड रिव्यू की फैमिली है वो। तो हमने सोशल परसेप्शन क्या होता है उसके बारे में पढ़ लिया है, हाइडर की नाइव्स साइकोलॉजिस्ट थ्योरी जो है एट्रीब्यूशन की वो भी हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया है। सो इफ़ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो येट, अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मेक श्योर कि वो वाली वीडियो जो है आप देख लें बिफोर गोइंग अहेड विद दिस वीडियो। तो उस वीडियो का जो लिंक है वो ऊपर भी पॉपअप हो रहा होगा, अदरवाइज आई विल ऑल्सो लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, तो मेक श्योर यू चेक इट आउट। तो अब शुरू करते हैं हम इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ, जिसमें हम सेकंड वाली जो थ्योरी है एट्रीब्यूशन की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, वो डिस्कस करेंगे। बट बिफोर गोइंग अहेड विद दैट, हमारे लिए क्या समझना इम्पॉर्टेंट है इस कि थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशन क्या होता है। तो जो थ्योरीज होती हैं एट्रीब्यूशन की, एज यू कैन सी इन दिस येलो कलर का सर्क्यूलर बॉक्स, वो सजेस्ट करती हैं दैट हाउ वी एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ बिहेवियर्स एंड इवेंट्स। तो अगर एट्रीब्यूशन की कोई भी थ्योरी है आपके पास, तो वो थ्योरी बेसिकली इसीलिए यूज़ की जाती है सो दैट हम एक्सप्लेन कर पाएँ कि कोई बिहेवियर हुआ तो क्या रीज़न था उसके पीछे, या कोई इवेंट हुआ तो व्हाई डिड दैट इवेंट टेक प्लेस। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। आज की जो थ्योरी है जिसको हम कवर करने वाले हैं, दैट इज़ जोन्स एंड डेविस की कॉरस्पॉन्डेंट इन्फ्रेंस थ्योरी। तो ये वाली थ्योरी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ सोशल साइकोलॉजी, तो मेक श्योर कि ये वीडियो आप एंड तक पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखें, बिकॉज ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, ताकि आपका कॉन्सेंट्रेशन बना रहे, इसीलिए मैंने अलग अलग थ्योरीज़ की अलग अलग वीडियोज़, स्मॉल वीडियोज़ बनाई है। राइट, सो लेट अस बिगिन। ये जो जोन्स एंड डेविस की कॉरस्पॉन्डेंट इन्फ्रेंस थ्योरी है, ये दी गई थी 1965 में। तो इस डेट को आपको याद रखना है, 1965। अब जोन्स एंड डेविस ने ये थ्योरी दी थी टू एक्सप्लेन इंटरनल एट्रीब्यूशंस। ठीक है, इंटरनल एट्रीब्यूशंस क्या होते हैं? सबसे पहले एट्रीब्यूशन क्या होता है? किसी भी इवेंट या किसी भी बिहेवियर के कॉज जो हम डालते हैं कि पता है ये बिहेवियर तो इसीलिए हुआ होगा। वी यूजुअली यूज दीज स्टेटमेंट्स, राइट? तो एट्रीब्यूशन इज जब हम किसी बिहेवियर या इवेंट के कॉजेस बता रहे होते हैं। इंटरनल एट्रीब्यूशन क्या होता है? जब हम ये देखते हैं कि कोई बिहेवियर या कोई इवेंट इंटरनल रीज़न की वजह से हुआ। क्या कि कोई बिहेवियर इसीलिए हुआ क्योंकि एक पर्सन की पर्सनालिटी ही वैसी थी, या फिर कोई बिहेवियर इसीलिए हुआ कि सिचुएशन ने उस पर्सन को वैसा करने के लिए फोर्स किया। सो दिस इज़ व्हाट दिस थ्योरी फोकसेस ऑन। वी मेक कॉरस्पॉन्डेंट इन्फ्रेंस। कॉरस्पॉन्डेंट इन्फ्रेंस जो है उसी का मतलब होता है इंटरनल एट्रीब्यूशन। ठीक है, तो वी मेक कॉरस्पॉन्डेंट इन्फ्रेंस व्हेन वी कंक्लूड दैट अ पर्सन्स ओवर्ट बिहेवियर इज कॉज्ड बाय द पर्सन्स इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। तो हम इंटरनल एट्रीब्यूशन, जैसा कि मैंने अभी अभी आपके साथ डिस्कस किया, इंटरनल एट्रीब्यूशन या फिर जो कॉरस्पॉन्डेंट इन्फ्रेंस हम जिसे बोलते हैं, वो हम कब बनाते हैं? व्हेन वी कम टू अ कंक्लूजन कि एक पर्सन का जो ओवर्ट बिहेवियर है, ओवर्ट बिहेवियर क्या होता है? जो बिहेवियर हमें विजिबल हो, दैट इज ओवर्ट बिहेवियर। तो एक पर्सन का जो विजिबल बिहेवियर मुझे दिखाई दे रहा है, अगर वो बिहेवियर उस पर्सन के इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक से मैच कर रहा है, यानी कि उसकी पर्सनालिटी से मैच कर रहा है या उसके बिलीफ से मैच कर रहा है, और हर सिचुएशन में वो पर्टिकुलर इंसान वैसे ही बिहेव कर रहा है, देन हम इंटरनल एट्रीब्यूशंस मेक करते हैं और हम कह देते हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन का पर्सनालिटी ही ऐसा है, इसीलिए ये पर्टिकुलर पर्सन हर सिचुएशन में सेम वे में बिहेव कर रहा है या कर रही है। राइट, तो ये है एक छोटा सा जिस्ट जोन्स एंड डेविस कॉरस्पॉन्डेंट इन्फ्रेंस थ्योरी का। अभी इसमें हमें और भी इलाबोरेशन में पढ़ना है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है।
तो और एलैबोरेशन में जो हमें इस थ्योरी के बारे में पढ़ना है वो है 5 सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इस थ्योरी में हमें 5 सोर्स दिए हुए हैं इंफॉर्मेशन के, जो बेसिकली अकॉर्डिंग टू जोन्स एंड डेविस डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं कि कोई बिहेवियर एक पर्सन की पर्सनालिटी की वजह से, यानी कि इंटरनल एट्रीब्यूशन की वजह से हो रहा है या फिर सिचुएशन की वजह से हो रहा है। ठीक है, एज यू कैन सी ओवर हियर, ये जो पॉइंट है हमने जस्ट अभी इसी को डिस्कस किया है। तो अब ये 5 सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो है चॉइस। ठीक है, चॉइस में जैसा आपने देखो मैंने एक छोटा सा बना के रखा है, फ्री चॉइस इज इक्वल टू इंटरनल डिस्पोजिशन। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि इंटरनल डिस्पोजिशन क्या होता है। इंटरनल डिस्पोजिशन एंड इंटरनल एट्रीब्यूशन सेम चीज़ है। ठीक है, इंटरनल डिस्पोजिशन वही चीज़ होती है कि एक पर्सन की पर्सनालिटी ही वैसी है या कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट ही वैसा है जैसा वो बिहेव कर रहा है या कर रही है, दैट इज़ इंटरनल डिस्पोजिशन। तो चॉइस जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उससे हमें क्या पता लगता है कि अगर एक इंसान की कोई भी बिहेवियर कैरी आउट करने के लिए फ्री चॉइस थी, दैट मीन्स उस पर्सन की चॉइस थी कि उसको एग्जाम में चीटिंग करनी है या नहीं करनी। ठीक है, दिस चॉइस वॉज गिवन टू दैट पर्सन और उसको ये बोल दिया गया था कि कोई भी आपको रोकेगा नहीं, अगर आप चीटिंग करोगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, इट इज़ योर फ्री चॉइस। फिर अगर वो इंसान उस बिहेवियर में इंडल्ज करता है तो फिर तो क्या हो गया, वो उसका इंटरनल डिस्पोजिशन, दैट मीन्स उसके कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स ऐसे हैं, राइट। और अनदर एग्जांपल कैन बी कि एक इंसान को जो है उसकी जो स्ट्रीम है जो हम लेते हैं ना 12th क्लास में या कॉलेजेस में, वो सब्जेक्ट लेने की बिल्कुल फ्री चॉइस दी गई, दैट यू कैन चूज वॉट एवर यू विश टू चूज। तो अगर फ्री चॉइस दी जाती है हमें किसी भी बिहेवियर को कैरी आउट करने के लिए, तो यूजुअली उस बिहेवियर को देखा जाता है एज आर इंटरनल डिस्पोजिशन, कि इस इंसान की पर्सनैलिटी ट्रेट में ही ये चीज़ है। ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जिससे हम पता लगा सकते हैं कि किसी का पर्सनालिटी ट्रेट है या सिचुएशनल फैक्टर है। अगर किसी को कोई बिहेवियर कैरी आउट करने की फ्री चॉइस नहीं मिलती, उसे फोर्स किया जाता है चीट करने के लिए या कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेने के लिए, देन वो इंटरनल डिस्पोजिशन ना होके क्या होगा, सिचुएशनल डिस्पोजिशन होगा। ठीक है, जो सेकेंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है दैट इज पर्सनलिज्म। पर्सनलिज्म में क्या है, द बिहेवियर दैट इज पर्सनली रेलेवेंट इज इक्वल टू इंटरनल डिस्पोजिशन। अब इसमें क्या आ जाता है, एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट क्या होता है कि जो ऑब्जर्वर है, फॉर एग्जाम्पल एक्टर तो देखो वो हो गया जो बिहेवियर परफॉर्म कर रहा है, ऑब्जर्वर इज द पर्सन जो उस बिहेवियर को होते हुए देख रहा है या फिर उस बिहेवियर का डायरेक्ट इम्पैक्ट उस पर पड़ रहा है। तो अगर एक्टर के डायरेक्ट, एक्टर जो भी बिहेवियर कर रहा है, अगर उस एक्टर के बिहेवियर का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है एक ऑब्जर्वर पे या फिर उस ऑब्जर्वर पर वो बिहेवियर पर्सनली रेलेवेंट है, तो फिर इंटरनल डिस्पोजिशन होगा। ठीक है, इंटरनल कॉजेज को ही लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी को चीटिंग करते हुए देखती हूँ और चीटिंग करते करते वो इंसान एक चिट भी थोड़ा सा मेरी सीट के पास कोई फेंक देता है, तो वो जो बिहेवियर हो गया उस पर्टिकुलर एक्टर का, वो मैं एज अ ऑब्जर्वर, मेरे लिए वो पर्सनली रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि वो चिट जो है वो मेरी सीट की तरफ फेंकी गई है, तो वो चीज़ मैं एज इंटरनल डिस्पोजिशन लूँगी एंड आई विल कंक्लूड कि वो इंसान मुझे चीटिंग के उसमें, दैट पर्सन वॉन्ट्स मी कि मैं फंस जाऊँ इस चीज़ में, राइट। तो वो होगा इंटरनल डिस्पोजिशन जिसमें एक ऑब्जर्वर देखता है कि कोई एक पर्टिकुलर बिहेवियर डायरेक्टली मुझे अफेक्ट कर रहा है या मेरे से पर्सनली रेलेवेंट है। द थर्ड वन इज सोशल डिजायरेबिलिटी। ठीक है, अब सोशल डिजायरेबिलिटी हमें कैसे बता सकता है कि कोई भी जो बिहेवियर हो रहा है वो इंटरनली मोटिवेटेड है या फिर सिचुएशन की वजह से बिहेवियर हो रहा है। देखो, अगर जो बिहेवियर एग्जिबिट हुआ वो सोशल डिजायरेबिलिटी में लो है, सबसे पहले तो सोशल डिजायरेबिलिटी क्या होता है, सोशली डिजायरेबल बिहेवियर एक वैसा बिहेवियर होता है जो सारे लोग प्रेज करें। ठीक है,
एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है, चैरिटी। अगर आप चैरिटी देते हो तो वो एक सोशली डिजायरेबल बिहेवियर है जिसमें एवरीबडी प्रेजेस यू, आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता है, तो वो एक सोशली डिजायरेबल बिहेवियर हो गया। बट देर आर सम बिहेवियर्स जो सोशली डिजायरेबल इतने नहीं होते, राइट? तो अगर जो एक बिहेवियर परफॉर्म किया जा रहा है वो सोशल डिजायरेबिलिटी में लो है, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे नहीं हैं जो उस बिहेवियर को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा वाहवाही मिल रही है, अगर ऐसा कोई बिहेवियर नहीं है तो यूजुअली क्या होता है, उस बिहेवियर को टर्म दे दिया जाता है कि ये इंटरनली मोटिवेटेड बिहेवियर है, ये पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक ही ऐसा है, क्योंकि अगर ये सिचुएशनल होता तो वो सोशल डिजायरेबिलिटी में हाई होता, पर ये बिहेवियर सोशल डिजायरेबिलिटी में लो है, दैट इज़ वाई वो इंटरनली मोटिवेटेड है। द फोर्थ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज द नॉन कॉमन इफेक्ट। ठीक है, नॉन कॉमन इफेक्ट क्या कहता है कि अगर कोई ऐसा बिहेवियर एग्जिबिट किया किसी ने जो कि एक यूनिक फीचर की वजह से एग्जिबिट किया, तो फिर इंटरनल डिस्पोजिशन होगा। ठीक है, कि कोई भी बिहेवियर एग्जिबिट किया जो कि एक स्पेसिफिक फैक्टर की वजह से ही एग्जिबिट किया, तो वो स्पेसिफिक फैक्टर एज अ होल तो सोसाइटी में प्रेजेंट नहीं है, वो स्पेसिफिक फैक्टर सिर्फ जो इंसान बिहेवियर कर रहा है उसके लिए यूनिक है, राइट? फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहीं पे घूमने जा रही हूँ और मैं किसी होटल को सर्च कर रही हूँ, तो मैंने 3 होटल शॉर्टलिस्ट किए, पर उन तीनों होटल में से एक होटल ऐसा है जिसमें स्विमिंग पूल भी है, राइट? तो वो जो स्विमिंग पूल हो जाएगा वो मेरे लिए एक यूनिक फीचर है, क्योंकि मुझे स्विमिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, सो दैट विल बी अ यूनिक फीचर फॉर मी। और क्योंकि उस होटल में स्विमिंग पूल है तो मेरा बिहेवियर क्या होगा कि मैं उसी होटल को फाइनलाइज कर लूँगी। तो ऐसा जो बिहेवियर है उसको इंटरनल डिस्पोजिशन माना जाएगा, क्योंकि मैंने एक यूनिक फीचर की वजह से कि उसमें स्विमिंग पूल है, उस फीचर की वजह से मैंने उस होटल को चूज़ किया ओवर द अदर 2 होटल्स। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरा पर्सनैलिटी ट्रेट है दैट आई लव स्विमिंग, राइट? तो ये हो गया आपका नॉन कॉमन इफेक्ट। जो फिफ्थ और लास्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो है हेडोनिस्टिक रेलेवेंस। अब हेडोनिस्टिक रेलेवेंस अगर हाई होगी, हेडोनिस्टिक रेलेवेंस सबसे पहले क्या होता है, हेडोनिस्टिक रेलेवेंस इज कि अगर किसी बिहेवियर को करने से आपको पर्सनली प्लेजर मिल रहा है, राइट? इफ़ यू आर पर्सनली इंजॉइंग दैट बिहेवियर, तो फिर उसकी जो हेडोनिस्टिक रेलेवेंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। तो अगर ऐसे में हेडोनिस्टिक रेलेवेंस, कोई इंसान एक पर्टिकुलर बिहेवियर करने में बहुत इंजॉयमेंट महसूस कर रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा हाई है उसकी हेडोनिस्टिक रेलेवेंस उस बिहेवियर को करने की, वेदर और नॉट द सोसाइटी लाइक्स इट, तो फिर उसकी जो इंटरनल डिस्पोजिशन है वो हाई होगी, उसका इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक होगा उस बिहेवियर को लाइक करने का। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टूडेंट है जो एक अपना पैशन फॉलो करता है या करती है डिस्पाइट ऑफ वट एवर द सोसाइटी सेइंग, और क्यों फॉलो करती है, बिकॉज दैट पर्सन, उसे बहुत मज़ा आता है वो पैशन फॉलो करने में या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाई करने में, तो उस केस में क्या हो गया, उसका हेडोनिस्टिक रेलेवेंस काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया, उसका जो बिहेवियर वो परफॉर्म करी उसको काफ़ी ज़्यादा प्लेजर मिल रहा है उस बिहेवियर से, सो दैट इज़ वाई उसको हम उसकी इंटरनल ट्रेट से रिलेट करेंगे कि इसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, राइट? सो दीज आर द 5 सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई इंसान की पर्सनैलिटी ऐसी है या कोई इंसान एक बिहेवियर सिचुएशन की वजह से एग्जिबिट कर रहा है। बट अगेन, ये जो है ये जोन्स एंड डेविस के अकॉर्डिंग है, ठीक है? तो जैसा कि हर थ्योरी के कुछ ना कुछ इवैल्यूएशंस और क्रिटिसिज्म्स होते हैं, वैसे ही इस थ्योरी के भी कुछ इवैल्यूएशंस, कुछ क्रिटिसिज्म्स हैं। क्रिटिसिज्म्स क्या है कि जो हमारी एट्रीब्यूशन है वो रियल लाइफ में और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, राइट? इन रियल लाइफ जो हम कैसे एट्रीब्यूट करते हैं किसी बिहेवियर को, किसी सिचुएशन को, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है? तो ये कुछ एरर्स भी हैं जो इस थ्योरी में है, एंड दिस थ्योरी इज़ नॉट कम्प्लीटली राइट,
पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इस थ्योरी को समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, राइट? सो हियर वी कम टू एन एंड टू दिस वीडियो. आई होप आपको ये वाली जो थ्योरी है वो समझ आ गई होगी. एंड ऑल्सो अगर आपको बाकी की एट्रीब्यूशन की थ्योरी समझनी है तो उस पर मैंने इंडिविजुअल वीडियोज बना दी है. हाइडर एंड नाइफ की मैंने ऑलरेडी बना दी है. बाकी की जो वीडियोज होंगी वो भी आगे आने वाले दिनों में अपलोड हो जाएंगी. सो डू शेयर योर कमेंट्स. अगर आपको कुछ सजेशन देना है या कुछ डाउट पूछना है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा. शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. मेरे चैनल पे साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ इन सबसे रिलेटेड वीडियोज आती हैं. एंड गाइस, यहाँ तक वीडियो देख ही ली है तो सब्सक्राइब तो कर ही देना. एंड डू क्लिक द बेल आइकन. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे. बाय बाय.